अस्सलाम वालेकुम ग्रोइंग में समय में आप लोग को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपके लिए शैम्पू और कंडीशनर का रिव्यू लेके आई हूँ, वो भी मैक लंदन का ये शैम्पू और कंडीशनर है। और ये इतना इतना बेहतरीन है, आपको पता है जब गर्मियाँ आती हैं तो आपके बालों में इतनी फ्रेजीनेस हो जाती है, आपके बाल एकदम फटे फटे लगने लगते हैं, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इतना पसीना होता है आपके बालों में। तो मैं पहले दूसरा शैम्पू यूज़ कर रही थी, वो मुझे सर्दी में बिल्कुल सही था, तो गर्मी आई मैं यूज़ कर रही थी ट्रेस्मी का शैम्पू। बहुत बहुत अच्छे हैं, मैंने 2-3 महीने यूज़ किया, वो भी ऑर्गन वाला। उसमें भी रेड वाले में दो तरह के आते हैं, एक ऑर्गन, एक अमेरिकली कुछ ऐसे तरह का नाम है उस शैम्पू का। तो आप लोग ऑर्गन वाला यूज़ करेगा तो बहुत बहुत अच्छा है हुआ, तो मैं उसका भी रिव्यू ज़रूर दूँगी जब मैं यूज़ करूँगी। अभी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ और ये दोनों मेरे इतने फेवरेट हो गए हैं, मतलब ये बालों को सॉफ्ट कर देता है, बिल्कुल बालों को स्ट्रेट कर देता है। बस ये है कि जिनके हेयर फॉल हो रहे हो तो ये बिल्कुल ना यूज़ करें, हेयर फॉल में इसका कोई नहीं है। इसमें सिंपल लिखा है स्मूथ और स्ट्रेट करता है ये आपके बालों को, और ये बिल्कुल ऐसे ही करता है। ये देखें इतने अच्छे अच्छे इसमें मिले हुए इंग्रेडिएंट, आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे, मतलब जोजोबा ऑयल, बहुत सारे अर्गन ऑयल, मतलब केमिकल के साथ साथ कुछ हर्बल चीज़ें भी इसमें मिली हुई हैं जो मैंने बाकी शैम्पू में नहीं देखा। और ये स्ट्रॉन्ग हेल्दी, जिनके बाल ड्राई रहते हैं ना बिल्कुल, उनको गर्मियों में समझ में नहीं आता क्यों ड्राई हो रहे हैं, तो ये ज़रूर यूज़ करें। उनके ये बालों में स्ट्रॉन्ग हेल्दी मिला, ये आपके बालों के अंदर एक ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा और इससे हेयर फॉल भी रुकता है। इसका सिर्फ मैंने कंडीशनर यूज़ किया है, तो मैं इसका शैम्पू भी ज़रूर इसका कॉम्बो यूज़ करूँगी, तो ये हेयर फॉल रोकता है, इसके मैं गारंटी है हेयर फॉल ये रोकता है। आपके बालों को ड्राइनेस है जिनके बालों में ये यूज़ कर सकते हैं, और जिनके बालों में फ्रिजीनेस है वो ये यूज़ कर सकते हैं, ये ड्राइनेस के लिए है, सही है। ये हेयर फॉल का भी काम करेगा आपका, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप इसके इंग्रेडिएंट्स तो आप लोग को नज़र आते होंगे। इसका मैं फेस वॉश तो आपको पता है मैक का मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये इन्होंने अभी निकाला है शैम्पू कंडीशनर, तो ये बेहतरीन बेहतरीन 15 दिन हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए। बस ये हेयर फॉल नहीं आपका ख़त्म कर रहा, बस इसका काम ये है कि फ्रिजीनेस ये ख़त्म कर देगा आपके बालों को, स्ट्रॉन्ग फ्रिजीनेस आपके बालों में से ये ख़त्म कर देगा, स्मूथ और स्ट्रेट बना देगा आपके बालों को, बस इसका यही काम है और ये इससे कुछ नहीं कर रहा, बस इसका ये। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर मेरी अभी दराज पे सेल लगी थी तो मेरी नज़र पड़ी इस वाले शैम्पू पर, जब मैंने इस पे देखा, इस पे लिखा है कि 2 महीने में आपके बाल हेल्दी लॉन्ग हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी 2 महीने बाद। इसमें जिंक बायोटिन मिला हुआ है। अच्छा, इनकी ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पर लिखा हुआ है, ये देखें यह नमक्स ट्रीटमेंट है, ये देखें, और ये आपके बालों में क्रिएटिन करता है, सही। क्रिएटिन तो आपको पता है, आपने मास्क वास यूज़ किए हुए होंगे तो क्रिएटिन का तो सिर्फ यही होता है, स्मूथ करता है आपके बालों में से फ्रिजीनेस ख़त्म करता है, उसका हेयर फॉल से और ग्रोथ से कहीं का कोई ताल्लुक नहीं होता। जिनके बाल बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, जिनके बालों में हेयर फॉल नहीं है तो ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं स्मूथ स्ट्रेटनिंग के लिए, और शायद हो सके किसी के ये बालों में ग्रोथ भी ला सके और शायद ही किसी का हेयर फॉल भी रुक सके, ऐसा हो सकता है ये वाला, सही है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और ये दराज से ऑर्डर करें, जहाँ से भी करें, और फिर मुझे आप लोग को इसका रिव्यू ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।